रूस के अंदर घुसकर बड़ी स्ट्राइक करेगा यूक्रेन, इस वक्त की बड़ी खबर, ब्रेक करें। यूक्रेन इंटेलिजेंस हेड की बहुत बड़ी वार्निंग विद द विजुअल्स, रशियन एयरफील्ड और एमुनिशन डिपो उड़ा देंगे, ये कहा उन्होंने 50-50 में। जर्मन अखबार बर्लिंगर मॉर्गन पोस्ट के हवाले से बड़ी खबर। Надеюсь, это последнее. सीधे आइए इसके की ग्राफिक्स पर। ये जो हमारे पास इंफॉर्मेशन है, अपने दर्शकों को बताना चाहूंगा ये जानकारी क्या आ रही है, ध्यान से देखिए। यूक्रेन करेगा बड़ी स्ट्राइक, बताया जा रहा है कि रूस में घुसकर एयरफील्ड और डिपो को उड़ा सकता है यूक्रेन। स्प्रिंग सीजन में रूस पर होगी जबरदस्त काउंटर स्ट्राइक। यूक्रेनी मिलिट्री इंटेलिजेंस के डिप्टी हेड की बड़ी वार्निंग, रशियन रॉकेट और आर्टिलरी सिस्टम को निशाना बना सकता है यूक्रेन। रूसी जमीन पर आर्म्स डिपो और मिलिट्री हथियार पर होगा बड़ा हमला, ये एक जर्मन अखबार का कहना है। अब मैं सीधे यहां पर ये जो है राहुल इसकी ग्राफिक्स के साथ जो अलग अलग ब्रेकिंग हमने अभी तक चलाई है, एयरपोर्ट से लेकर ऑयल से लेकर बेलगोरोड से लेकर, वो सारी ब्रेकिंग वन आफ्टर द अनदर चलाइए। मैं सीधे चलूंगा एंबेसडर दीपक वोरा सर के पास। दीपक सर, सवाल ये है, क्या आपको ऐसा नहीं लग रहा है कि जो यूक्रेन अभी करने की कोशिश कर रहा है वो जो होता ना कि छोटे वाले बच्चे में एक चाबी भर दो कि बेटा बेटा देखो टॉफी टॉफी टॉफी, अब ये देखो सामने वाले बच्चे को मार के आओ, लेकिन वो सामने वाला बच्चा नहीं है, वो मोहल्ले का नहीं पूरे इलाके का दादा है। आपकी तरह और कोई नहीं बयान कर सकता सर, बहुत खुश होता हूं जब आपके चैनल पे आता हूं, एब्सोल्युटली लव यू, और आपका चैनल तो सर्वश्रेष्ठ है। फीलिंग इज म्यूचुअल। थैंक यू वेरी मच सर, वेरी काइंड ऑफ यू। आपका जो प्रश्न है सर, उसका जवाब मैं थोड़ा अगर आप वेरी ब्रीफ रिस्पॉन्स कि पुतिन साहब का जो इस समय एजेंडा है दैट इज टू वाइप आउट यूक्रेन एज अ स्टेट। अगर पुतिन चला जाता है सर, सच्चाई ये है कि उसके बाद जो आएगा उसका भी यही एजेंडा रहेगा। मैक्रॉन कहता है रूस को हरा दो पर ह्यूमिलिएट ना करो, दोनों में क्या फर्क है। जर्मनी कहता है टर्निंग पॉइंट पे पहुंच रहे हैं। जहां तक मैं देख रहा हूं सर इस समय फ्रॉम अ डिप्लोमेटिक पॉइंट ऑफ व्यू, इसका सोल्यूशन कोई नहीं है। हम क्या कर सकते हैं ये खरसों या परसों या सरसों जो भी है ये आप मिलिट्री वाले बताएंगे। हम लोग सिर्फ इस डेथ डांस को, आई रिपीट, ये मौत के नृत्य को हम पीछे बैठ के देख सकते हैं। ये यूरोप की समस्या है सर, ये हमारी नहीं है। यूरोप सोचता था कि उसकी समस्या सारी दुनिया की है, ये हमारी समस्या नहीं है। लेट यूरोप हैंडल इट। उन्होंने शुरू किया नवंबर 21 का समझौता यूक्रेन और अमेरिका के बीच कि हम ये क्राइमिया वापस ले लेंगे, ये करेंगे, रूस की पिटाई करेंगे, उसके बाद शुरुआत हुई थी जंग की। सो लेट द वेस्ट फेस द कॉन्सिक्वेंसेस। ये मेरी ओपिनियन है आज ऑन द लास्ट डे ऑफ फरवरी 2023। हम कुछ नहीं कर पाएंगे, इसका अपना काइनेटिक रिजल्ट होगा, इसका अपना रिदम है, अपना मोमेंटम है, आगे क्या होगा आप देख लीजिए सर।